वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे और अपनी असेसमेंट शीट्स सॉल्व की होंगी। ठीक है, आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारा लेक्चर नंबर 90। ये हम लोगों ने स्टडी करना है और इसके अंदर हम लोगों ने क्या टॉपिक जो है वो करना है, बुक का क्या है, इसमें पेज नंबर 55 है और प्लस रिवाइज टेबल ऑफ 6 एंड 7। ठीक है, क्या है हमारा आज का जो हमने पढ़ना है वो बुक पेज नंबर है 55 प्लस रिवाइज टेबल ऑफ 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है सबसे ज़्यादा जो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका होता है, टेबल्स का। तो आप लोगों ने अपने टेबल जो हैं वो अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। तो जी स्टूडेंट्स, जो टेबल्स हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं, सारे टेबल जितने भी आप लोगों ने किए हुए, ताकि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। इसमें मल्टीप्लिकेशन ही सारे, जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें सारे टेबल ही यूज़ होते हैं। टेबल अगर आपको आते होंगे तो आप लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो HOD है वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अच्छे इखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। क्या है आज की HOD? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अच्छे इखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। और SOD है लेट मी रीड अ बुक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही हमारा चैप्टर चल रहा है। जो हमने इसके अंदर टॉपिक्स पढ़ने हैं आज वो है हमारे पास MCQs, साथ हमने टेबल ऑफ 7 इसमें जो है वो राइट करना है और हमने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैं आपको टेबल ऑफ 7 करवाऊंगी, टेबल ऑफ 6 भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने जो करना है वो है हमारे पास MCQs। ठीक है, सर्कल द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे पास एक हमें स्टेटमेंट दी गई है, उसके 4 MCQs दे दिए गए हैं, उसमें से जो राइट होगा उसको हमने सर्कल करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन MCQs है, देखें 4 × 5। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ये कहा गया था कि आप लोगों ने अपने जो हैं वो सारे टेबल 2, 3, 4 से लेकर 10 तक रिवाइज करने हैं। तो उसी में ये 4 का टेबल है, तो 4 × 5 हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकंड है 16, थर्ड है 9 और फोर्थ है 5। तो आप लोगों ने बताना है इसका राइट आंसर क्या है। 4 × 5 का क्या होता है, 20। क्या होता है, 20। तो उसको आपने सर्कल कर देना है। अब नेक्स्ट MCQs पे आएं। नेक्स्ट MCQs में है कि हम लोगों के पास उन्होंने पूछा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको उन्होंने कहा मल्टीप्लाई करें 3 से, तो आंसर जो है वो 9 आता है। तो हमने यहाँ बताना है कि किस चीज़ को 3 से, किस डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 9 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने 3 का टेबल यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, 3 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, 3 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 9। और फिर हम लोगों ने नीचे जो हैं वो अपने ऑप्शंस देखने हैं, जो ऑप्शन 3 वाला होगा उसको हमने सर्कल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे बी ऑप्शन है, इसको हमने क्या किया, सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट देखें 6 × आगे उन्होंने ब्लैंक बॉक्स छोड़ा है हमारे पास और इज इक्वल टू 12 है। अब हमने किसका टेबल पढ़ना है, 6 का, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो क्या आएगा, 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन 3 था, बी हमारे पास ऑप्शन 6, सी 2 और डी 12। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको आपने सर्कल कर देना है। दोबारा से देखें, हमारे पास फर्स्ट वन था 4 × 5, उसका राइट ऑप्शन था 4 को हमने 5 तक जो है 4 का टेबल पढ़ना है, 4 × 5 = 20। इसी तरह यहाँ पे था 3 का हमने टेबल रीड आउट करना था जब तक आंसर 9 नहीं आ जाता, तो 3 का टेबल हमने 3 तक जब हमने पढ़ना है तो उसका आंसर 9 आ जाएगा और वही उसका राइट आंसर होगा। इसी तरह थर्ड वन में हमने 6 का टेबल जो है वो पढ़ना है जब तक कि आंसर 12 ना आए, तो हमने 6 का टेबल जो है पढ़ा, 6 2 ज़ा 12 था और उसका राइट आंसर कौन सा था, 2, हमने उसको सर्कल कर लिया। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है वो है 2 × 5 = 2।
टू मल्टीप्लाई बाई फाइव इज इक्वल टू, ठीक है। तो टू का टेबल हमने फाइव तक जो है वो रीड आउट करना है। टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू फोर ज़ार एट, टू फाइव ज़ार टेन, टू फाइव ज़ार टेन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन तो फाइव है, सेकेंड टू है, थर्ड नाइन है और डी टेन है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? डी, ठीक है, उसको हमने सर्कल कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल टू, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि ज़ीरो को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो ही आता है। डिजिट जितना मर्जी बड़ा हो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो फोर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पे उन्होंने फोर ऑप्शन दिया है, फिर ज़ीरो, फिर फोर्टी और फिर फाइव। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? ज़ीरो, ठीक है। तो उसको हमने सर्कल कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से इन एम सी क्यूज़ को देख लें। टू मल्टीप्लाई बाई फाइव इज इक्वल टू, टू का टेबल कहाँ तक हमने पढ़ना है? फाइव तक, ठीक है। तो टू फाइव ज़ा टेन, उसको हमने सर्कल कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फोर मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इज इक्वल टू। मैंने पहले भी ये बात बताई कि ज़ीरो को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो ही आता है, चाहे डिजिट जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है। तो आंसर इसका ज़ीरो, उसको हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास हमारे टॉपिक में जो हमने रीड आउट करना था, टेबल ऑफ सेवन। क्या था हमारे पास? टेबल ऑफ सेवन। तो अब हमने सेवन का टेबल जो है वो देखना है, ठीक है। ये आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें भी करवाया गया है और अगेन रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के टेबल करना ज़रूरी है। दोबारा से इसको देखें, तो हमारे पास टेबल है सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन, सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट, सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव एंड सेवन सिक्स ज़ा 42, ठीक है। ये टेबल आप लोगों ने लर्न करना है। फिर भी कहीं पे अगर आपको कोई भी यहाँ से मिस हो जाती है वैल्यू, आपको नहीं याद आ रही, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सेवन वन ज़ार सेवन था, अब जब सेवन टू ज़ार फोर्टीन करना है तो आप सेवन को टू टाइम ऐड कर लेंगे तो वो आंसर 14 आ जाएगा। अगर ये होगी तो यहाँ पे हम सेवन को कितने टाइम ऐड करेंगे? थ्री टाइम ऐड कर लेंगे तो आंसर 21 आ जाएगा। और सेवन फोर ज़ार 28 है तो सेवन को सेवन टाइम ऐड करेंगे आप लोग, फोर टाइम सॉरी ऐड करेंगे, सेवन को फोर टाइम ऐड करेंगे। और सेवन फाइव ज़ा 35 है तो यहाँ पे सेवन को फाइव टाइम ऐड करेंगे। सेवन सिक्स ज़ा 42 है तो यहाँ पे सेवन को कितने के साथ ऐड करेंगे? सिक्स टाइम ऐड करेंगे और फिर आंसर हमारे पास 42 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, टेबल ऑफ सेवन हम लोग पढ़ रहे थे। सेवन सेवन ज़ा 49, सेवन एट ज़ा 56, सेवन नाइन ज़ा 63, सेवन टेन ज़ा 70। और स्टूडेंट्स, इसको आप लोग ये भी कर सकते हैं कि सेवन को सेवन टाइम ऐड कर लें, ठीक है। और यहाँ पे सेवन को एट टाइम्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे सेवन को नाइन टाइम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे सेवन को टेन टाइम ऐड करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। और वैसे तो आप लोगों ने लर्न ही करने हैं सारे टेबल, लेकिन कहीं पे अगर कोई वैल्यू आप लोगों को भूल जाती है, नहीं याद आ रही होती, तो फिर उस सिचुएशन के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोगों ने जो है वो ऐसे ही जो है करते जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई दीज क्वेश्चंस, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन, इसमें है टेन को मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम टेन को। तो थ्री ज़ीरो मैंने कल भी बताया था, जीरो से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ज़ीरो आएगा, थ्री वन ज़ार थ्री आएगा। इसी तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसकी तरफ देखें, यहाँ पर इनका आंसर 21 आना चाहिए, हम लोगों ने इसी हिसाब। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस तरह के MCQs भी पहले सॉल्व किए हैं, आंसर 21 आना चाहिए। तो थ्री को किस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 21 आएगा। तो आप लोगों ने थ्री का टेबल रीड आउट करना है। थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, थ्री सेवन ज़ा 21। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? सेवन, क्योंकि थ्री को जब हम सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर 21 आता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने इसी तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव है, यहाँ पर उन्होंने हमारे पास मिसिंग जो है वो प्लेस छोड़ी हुई है और आंसर 45 आना चाहिए। तो 5 को हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 45 आएगा। सोचें ज़रा,
फाइव का टेबल सारा जो है वो आप लोग इसको अपने जहन में लेके आएँ, इसको रिवाइज करें, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लोगों को पता चलेगा कि 5 9 = 45 होता है, ठीक है। आपने इसका टेबल जो है 5 का 9 तक रीड आउट करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से लेक्चर को सुनें, अपनी असेसमेंट शीट्स को सॉल्व करें, क्योंकि उसी में से फिर आप लोगों का पेपर आता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से असेसमेंट शीट्स सॉल्व की होंगी, लेक्चर को देखा होगा, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स।